तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ना आपके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे चैनल पर कि भाई फास्ट लाइक की नई स्मार्ट वॉच का रिव्यू करो, और इतने सारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के तो भाई ऑब्वियसली बात है उसको चेक करना बनता है। तो ये रही हमारे भाई फास्ट ट्रैक की नई स्मार्ट वॉच, और इसका नाम है भाई फास्ट ट्रैक रिवॉल्ट FR1 Pro। इससे पहले फास्टैग ने ना जो फास्टैग रिवॉल्ट FR1 यहाँ पर लॉन्च करी थी वो आपको LCD डिस्प्ले का देखने को मिलती थी, यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो आज के दिन भाई इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देख सकते हैं भाई काफ़ी यूनिक सा यहाँ पर ये बॉक्स में आती है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये जो वॉच है आपको लेनी चाहिए फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये ना भाई फास्ट ट्रैक रिवॉल्ट FR1 Pro स्मार्ट वॉच का बॉक्स, और जैसे बताया भाई काफी यूनिक से यहाँ पर बॉक्स पैकेजिंग में आती है। नॉर्मली वैसे जो स्मार्ट वॉचेस के बॉक्स होते हैं ना उनको हम यहाँ पर वैसे फेंक देते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स है ना मतलब इसको कहीं और भी यूज कर सकते हो। तो ये इसका बॉक्स है, ज़्यादा कुछ इस पर लिखा नहीं हुआ है, अलग अलग सा यहाँ पर जैसे देख सकते हो डिज़ाइन बना हुआ है, और यहाँ पर ये जो मेरे पास है वो यहाँ पर है ब्लैक कलर की, ब्लैक स्ट्रैप है, सिलिकॉन स्ट्रैप्स और ब्लैक कलर के यहाँ पर ये वॉच है। तो जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको ओपन करने के लिए इस तरह से इसका लिड है उसको आपको हटाना है, और देख सकते हो जो वॉच है कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो प्रीमियम सी पैकेजिंग है इस स्मार्ट वॉच की, तो कुछ इस तरह से ये वॉच दिखती है। तो इसको एक बार मैं यहाँ पर रखता हूँ, उसके अलावा यहाँ पर जो बॉक्स में आपको जो बाकी जो कंटेंट मिलता है उसको मैं दिखाता हूँ। तो इसमें आपको ऑब्वियसली एक चार्जिंग केबल मिलती है, यहाँ पर मैग्नेटिक कनेक्टर जो चार्जिंग केबल रहती है, और देख सकते हो भाई काफ़ी छोटी सी यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मैनुअल है इसमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट के बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, तो यूजर मैनुअल है, तो जितने भी फंक्शन वगैरह रहेंगे वॉच के वो यहाँ पर इसमें पढ़ सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर एक वारंटी यहाँ पर आपको जो कार्ड दिया हुआ, तो कैसे जो वारंटी अवेल करनी है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इसमें यहाँ पर आपको 1 ईयर की यहाँ पर वारंटी मिलती है। तो ये तो भाई बॉक्स के कंटेंट, और इस बॉक्स को तो भाई मैं संभाल के रखने वाला हूँ, कहीं और पे काम आएगा। लेकिन अब आते हैं भाई हमारी फास्ट ट्रैक रिवॉल्ट FR1 Pro स्मार्ट वॉच की तरफ, और देख सकते हो ये जो वॉच है इसकी लुक कुछ इस तरह से रहेगी, इसके स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे फिल्म सी लगी हुई है तो उसको हटा देते हैं। और इस वॉच में यहाँ पर आपको 1.3 इंचेस की यहाँ पर सर्कुलर डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसको ऑन करेंगे देखेंगे, और डिजाइन जैसा आप देखोगे ना यहाँ पर इस वॉच का वो काफी सिंपलिस्टिक सा है, और यहाँ पर काफी लाइट वेट स्मार्ट वॉच भी है। इस वॉच में आपको यहाँ पर मैट टाइप की फिनिशिंग देखने को मिलती है, और देख सकते हो काफी अच्छी खासी दिखने वाली स्मार्ट वॉच है। यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है वो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ हुआ है, और जैसा आप देखते हो जो फिनिशिंग वगैरह है इस वॉच की बहुत ही प्रीमियम सी लग रही है। इवन दो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर ये जो है लाइट वेट स्मार्ट वॉच है, तो अगर आप रात को पहनकर सोते हो ना तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। एक बार इसका जो वेट भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, और इस वॉच का जो टोटल वेट है जैसा आप देखते हो सिर्फ 39 ग्राम है, तो अगर आपको लाइट वेट स्मार्ट वॉच पसंद है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी वॉच के ओवरव्यू की बात करें तो जैसा है भाई 1.3 इंच का सर्कुलर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक जो फंक्शन बटन दिया हुआ है और उस पर देख सकते हो यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग है। उसके अलावा यहाँ पर आपको माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, और ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो यहाँ पर ये जो स्पीकर ग्रिल है, और जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप इनको रिप्लेस करना चाहते हो तो किसी भी 22mm वाले स्ट्रैप से रिप्लेस भी कर सकते हो। स्ट्रैप्स के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर जो बकल है वो भी यहाँ पर मेटल का है। तो ओवरऑल वॉच का डिजाइन है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन अब जल्दी से इस वॉच को मैं ऑन कर लेता हूँ और इसके जो फीचर्स वगैरह उसको चेक कर लेते हैं। तो वॉच को ऑन करने के लिए ये जो फंक्शन बटन है इसे प्रेस करके रखना है, और ये जो वॉच है ये ऑन हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग आ गई है। उसके बाद अपने फोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, और इस ऐप की मदद से ना आप इस वॉच को यहाँ पर बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इस वॉच में आपको यहाँ पर सिंगल सिंक ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है बहुत ही सही है। तो मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया ऑलरेडी, तो अब जल्दी से इसके फीचर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 1.3 इंच का यहाँ पर सर्कुलर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, और ऑब्वियसली बात है भाई AMOLED डिस्प्ले है, तो काफी यहाँ पर डीप ब्लैक्स और काफी पंची से कलर आपको देखने को मिलेंगे। और इस डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर है 360 पिक्सल बाय 360 पिक्सल की, तो काफी हाई पिक्सल डेंसिटी यहाँ पर आपको डिस्प्ले में मिलती है, तो टेक्स्ट वगैरह काफी शार्प है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो ब्राइटनेस आपको इस वॉच में मिलती है वो मिलती है यहाँ पर 600 nits की, तो इंडोर हो आउटडोर हो यहाँ पर किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। AMOLED डिस्प्ले है वो इस वॉच का काफी बढ़िया है। बाकी जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 1.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पर देख सकते हो आसपास आपको थोड़े से बेजल देखने को मिलते हैं, लेकिन हल्का सा यहाँ पर जो ग्लास है ना वो थोड़ा सा ऐसे 2.5D कर्व ग्लास है, तो दिखने में काफी सही लग रहा है। और यहाँ पर जो वॉच फेस को चेंज करना है ना, तो स्क्रीन को होल्ड करके कुछ आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, और ये वाला जो वॉच फेस है मैंने इसकी ऐप के थ्रू इंस्टॉल किया है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा इसके जो बेजल्स वगैरह वो कितने मिलते हैं। तो बेजल्स आपको थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन दिखने में जो वॉच है यहाँ पर काफी अच्छे लग रहे हैं। बाकी जैसे था इसकी ऐप में भी जाकर आप यहाँ पर बहुत सारे जो वॉच फेसेस हैं इंस्टॉल कर सकते हो, देख सकते हो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, या फिर अपना कोई जो वॉच फेस लगाना है जैसे कोई कस्टम फोटो वगैरह तो आप यहाँ पर वो लगा सकते हो। इसके अलावा वॉच के UI की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो क्विक टॉगल बटन है जहाँ पर जो इसकी ब्राइटनेस वगैरह आप सेट
सेट कर सकते हो, जैसे आप जो ब्राइटनेस इसकी काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन पर अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो शॉर्टकट कार्ड है, तो सबसे पहले एक्टिविटी के ऑप्शन है, कितने स्टेप्स काउंट किए, कैलरी बर्न करी है। उसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पर आपको हार्ट रेट SPO2 का जो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसके लिए मुझे इसको पहनना पड़ेगा, ये यहाँ पर बिना पहने जो रीडिंग्स वगैरह नहीं देती है, तो ये सही है। आपको यहाँ पर जो वेट डिटेक्शन वाला फीचर मिल रहा है, उसके अलावा यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो और भी जो यहाँ पर शॉर्टकट कार्ड है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग, फोन का ऑप्शन है, वेदर जो ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है, या फिर आपको रिमूव भी करना हो तो इस स्क्रीन पर जाकर आप रिमूव भी कर पाओगे। उसके बाद लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन डिस्प्ले व्यू का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो रिसेंट ऐप देख सकते हो और उसके अलावा वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। उसके बाद मेन्यू एक्सेस करने के लिए ये जो फंक्शन बटन इसे प्रेस करोगे तो ये जो मेन्यू आपको दिख जाएगा, तो अभी यहाँ पर ये जो मेन्यू है कुछ इस तरह से दिख रहा है। बाकी ये जो मेन्यू स्टाइल है अगर आपको चेंज कराना हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, सेटिंग में जाकर यहाँ पर जो थीम है इसमें आपको यहाँ पर लिस्ट स्टाइल या फिर फ्लोटिंग मेन्यू तो वो दिया हुआ, तो लिस्ट स्टाइल में अगर करोगे तो अब यहाँ पर जो मेन्यू है वो देख सकते हो कुछ इस तरह से रह गया। और इस मेन्यू में सबसे ऊपर यहाँ पर माई फिटनेस का ऑप्शन है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके अलावा मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है, तो और यहाँ पर नीचे जाकर जो सबसे नीचे आपको मोर जो ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी तो ऐड भी कर सकते हो, बाकी इन स्पोर्ट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा फोन के ऑप्शन है और ऑब्वियसली रीसेंट कॉल, डायल पैड और कॉन्टैक्ट आप यहाँ पर सिंक कर पाओगे, और वॉच में आप यहाँ पर 100 जो कॉन्टैक्ट सिंक कर सकते हो अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, अगर iOS यूज करते हो तो वहाँ पर 50 के करीब आप जो कॉन्टैक्ट सिंक कर पाओगे, तो ये सही है। बाकी डायल पैड में जाकर जल्दी से कोई नंबर वगैरह डायल करना हो तो उसे डायल कर दो, और कॉल डायल करने के बाद भी कुछ ऑप्शन रहते हैं, जैसे म्यूट कर सकते हो, ये जो कॉल है यहाँ पर फोन पे ट्रांसफर कर सकते हो या फिर फोन से वॉच पे ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, अभी मैं काट देता हूँ इसको, थोड़ी देर में चेक करेंगे अच्छे से। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो यहाँ पर है हार्ट रेट स्लीप मॉनिटरिंग SPO2, स्टेप्स का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर, मूड का भी ऑप्शन मिलता है तो मूड कैसा है, और उसके बाद ब्रीथ का ऑप्शन है, ब्रीथ रेट का भी ऑप्शन मिलता है तो कितनी ब्रीथ है आपकी जो रेट है उसका भी यहाँ पर आप देख पाओगे, तो इसको हम थोड़ी देर में भी चेक करेंगे। उसके अलावा SOS, नोटिफिकेशन, वेदर इन्फॉर्मेशन, म्यूजिक कंट्रोल आप यहाँ पर कर पाओगे, उसके अलावा स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, फाइंड फोन का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट, वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन दिया है, तो गूगल असिस्टेंट सीरी वगैरह यूज़ करते हो तो वो यहाँ से यूज़ कर सकते हो आप। उसके अलावा पासकोड भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो अगर आपको अपनी वॉच में जैसे कुछ भी जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको शेयर करनी किसी से, अगर वॉच इधर उधर पड़ी है तो वो डाल लो। उसके अलावा सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में यहाँ पर वॉच फेस, थीम जैसा हमने देखा, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, अबाउट, पावर ऑफ, रीसेट और QR कोड, और उसके बाद यहाँ पर साउंड सेटिंग भी है, तो साउंड सेटिंग में भी एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फीचर है कि कॉल की रिंगटोन है और मैसेज की रिंगटोन भी आपको यहाँ पर मिलती है, और मीडिया ऑडियो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फीचर है वो यहाँ पर है ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन का, तो अगर जैसे आप स्पोर्ट्स मोड इनेबल करना भूल गए हो ना, तो ये जो वॉच है ऑटोमेटिकली आपके जो स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड जो रहेंगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप इसकी ऐप में जाकर यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, तो ये सही है। तो इसको इनेबल करना हो तो यहाँ से जाकर इसको इनेबल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर DND का ऑप्शन है और लिफ्ट टू व्यू का ऑप्शन है, और इसमें आपको लिफ्ट टू व्यू का ऑप्शन इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर डायनेमिक वॉच फेसेस हैं, तो हर बार यहाँ पर जो वॉच फेस चेंज भी हो जाएगा अगर आप ऊपर की तरफ करोगे, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन है मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ करूँगा, तो देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन ऑन हो गई, लेकिन यहाँ पर जो वॉच फेस है वो भी चेंज हो गया है, दोबारा से करते हैं और देख सकते हो यहाँ पर इस बार जो वॉच फेस है डिफरेंट है, और ये जो रेस्ट टू वेक वाला फीचर है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपना जो काम कर रहा है। तो ये तो बात हुई भाई फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FR1 Pro के जो फीचर्स के बारे में। फीचर्स जैसे आपने देखा यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ फीचर मुझे मिसिंग लगे, जैसे यहाँ पर आपको जो गेम वगैरह नहीं मिलती आजकल आपको मिल जाती है, साथ में जैसे कैलेंडर वगैरह वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो हेल्थ वाले जो फीचर है वो आपको भर भर के देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, SPO2, ब्रीथ रेट और स्ट्रेस मॉनिटरिंग, तो ये सारे जो फीचर हैं आप जल्दी से उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद इसमें कॉलिंग का फीचर दिया है तो उसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो वॉच पहनने के बाद इसकी जो इन हैंड लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है, और ऑब्वियसली बात है 1.3 इंच का जो डिस्प्ले है ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर आप फीमेल हो या फिर मेल हो दोनों को यहाँ पर ये जो वॉच का जो साइज़ है मेरे को लगता है कि यहाँ पर फिट रहेगा। उसके अलावा वॉच यहाँ पर काफ़ी लाइट वेट भी है, तो जो कम्फर्ट है इस वॉच का वो भी मुझे काफ़ी सही लगा, और दिखने में वॉच काफ़ी सही लग रही है वैसे इन हैंड। उसके अलावा इसमें जो हार्ट रेट और SPO2 का फीचर है उसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर कंपेयर करने के लिए जो ऑक्सीमीटर लगा लेते हैं अपने फिंगर पे, तो ऑक्सीमीटर में जैसा आप देखते हो इस टाइम पे दिखा रहा है 84 बीट पर मिनट, और यहाँ पर वॉच में दिखा रहा है 86 बीट पर मिनट, 88, 86, तो देख सकते हो काफ़ी क्लोज ही यहाँ पर आपको जो रीडिंग्स देखने को मिलती है। उसके अलावा ऑक्सीमीटर भी है तो इसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और उसको भी हम यहाँ पर ऑक्सीमीटर से कंपेयर करेंगे, और ऑक्सीमीटर में इस टाइम पे दिखा रहा है वैसे 98%, और वॉच में यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया इसने और दिखा रहा है 99%, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको क्लोज रीडिंग्स मिलती हैं। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ ये जो वॉचेज भाई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ करना तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ करना, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी फीचर हैं तो उनको भी चेक करते हैं। जैसे इस वॉच में आपको यहाँ पर स्ट्रेस, मूड, ब्रीथ और ब्रीथ रेट का भी ऑप्शन मिलता है, तो सबसे पहले जो स्ट्रेस है उसको यहाँ पर मेजर करते हैं, और वॉच ने मेरा जो स्ट्रेस का लेवल है उसे मेजर कर लिया, तो अभी दिखा रहा है यहाँ पर 45 जो कि यहाँ पर नॉर्मल है,
उसके अलावा यहाँ पर मूड भी है, तो मूड को भी यहाँ पर मेजर करते हैं। वैसे तो करंटली मेरा मूड काफी अच्छा है इस टाइम पे, जैसा आप देख सकते हो, लेकिन देखते हैं क्या बताती है ये वॉच। मेजर करने में वैसे थोड़ा सा टाइम लगा रही है वॉच, और देख सकते हो भाई मेरा मूड इसने दिखा दिया हैप्पी, तो ये मुझे लगता है कि ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ब्रीथ का ऑप्शन है, और ब्रीथ रेट भी यहाँ पर आप यहाँ पर जो कैलकुलेट कर सकते हो कितनी ब्रीथ पर मिनट है, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस लेते हो ना आप, तो आपकी ब्रीथ वगैरह हाई रहती है, तो कंट्रोल करने में मेरे को लगता है कि ये सही है, नहीं तो ब्रीथ का भी ऑप्शन मिलता है वैसे आपको यहाँ पर, ब्रीथ कंट्रोल का ऑप्शन। और अभी यहाँ पर इसे मेरे जो ब्रीथ बताई है वो बताइए 14 ब्रीथ पर मिनट, जो कि नॉर्मल है। तो ये यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो मुझे लगता है कि काफी सही है और काफी अच्छे से अपना काम करें। और उसके अलावा जैसे बताया था, इसमें आपको यहाँ पर वेट डिटेक्शन वाला फीचर मिलता ही है, तो यहाँ पर बिना पहने ये जो वॉच है रीडिंग्स वगैरह नहीं देती है, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा इसमें आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक नंबर डायल कर देता हूँ, और सबसे पहले इसका स्पीकर का वॉल्यूम चेक करेंगे कि वो कितना लाउड है। और जैसा आप सुन सकते हो कि जो स्पीकर का वॉल्यूम है, बोलेंगे यहाँ पर डिसेंट है। अगर आप इंडोर में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आउटडोर में भी आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर वाले इन्वायरमेंट में होंगे तो शायद वहाँ पर थोड़ा सा कम लगे, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जो स्पीकर का वॉल्यूम यहाँ पर डिसेंट है। उसके अलावा वॉच की माइक की क्वालिटी की बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर माइक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। मैंने कुछ कॉल लिया अभी टेस्टिंग के लिए, और सामने वाले को किसी तरह से पता भी नहीं लगा, मतलब मैं वॉच पर बात कर रहा हूँ या फिर फोन से बात कर रहा हूँ, तो माइक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इस वॉच की, तो कॉलिंग के हिसाब से आप इस वॉच को कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद नोटिफिकेशंस की बात करें, तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, और जैसा आप सुन सकते हो जो यहाँ पर वॉच है वो वाइब्रेट कर रही है और रिंग भी कर रही है। और यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन रहते हैं, कॉल काट सकते हो, उठा सकते हो, म्यूट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी सही है। मैं यहाँ पर एक क्विक रिप्लाई कर देता हूँ। और SMS नोटिफिकेशन की बात करूँ, तो जो मैसेज है वो कुछ इस तरह से रहता है, और जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक जो टोन भी बजती है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसको आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर इस वॉच में IP68 की रेटिंग मिलती है, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पर आप इसको पानी में यूज़ कर सकते हो 1.5 मीटर तक, 30 मिनट तक, तो अगर स्विमिंग करते हो ना तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जो बैटरी बैकअप की बात करें, तो इस वॉच में आपको यहाँ पर अगर आप इसको कॉलिंग के साथ यूज़ करते हो, तो 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। विदाउट कॉलिंग यहाँ पर आपको 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, तो ये सही है। यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो बैटरी वगैरह बच जाती है उस वजह से। उसके बाद जो ऐप है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और जैसे बताया था यहाँ पर आपको फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ऐप इंस्टॉल करनी होती है, तो यहाँ पर इस जो ऐप में आप जो सारी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन या फिर सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है, कितने आपने स्टेप्स काउंट किए, कैलोरी बर्न करी, उसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, SPO2, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पाओगे। किसी भी टैप करोगे तो और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, वीक वाइज हिस्ट्री वगैरह, तो ये सही है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर रिवॉर्ड का सेक्शन है, जो कमिंग सून है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप जो कम्पीट भी कर सकते हो आसपास के एरिया के लोगों से। तो उसके बाद यहाँ पर जो वॉच फेस का सेक्शन है, जिसमें बहुत सारे आपको वॉच फेसेस मिल जाते हैं। सेटिंग में जाओगे तो जो वॉच की जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हो, तो गोल्स यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके अलावा हेल्थ के फीचर्स हैं, तो उनको यहाँ पर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद माई वॉच का जो सेक्शन है, जिसमें आप जो वॉच की सेटिंग चेंज कर पाओगे, तो क्विक रिप्लाई आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं, अनपेयर, कैमरा, वेदर, म्यूजिक, ब्लूटूथ कॉलिंग के जो फीचर्स हैं। और उसके अलावा जनरल में जाओगे तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद अबाउट और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। तो ये इसका ऐप है, देख सकते हो काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी ऐप है, और मेरे को लगता है काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल ये है फास्ट ट्रैक रिवॉल्ट FR1 प्रो स्मार्ट वॉच, और डेफिनेटली जो वॉच है दिखने में काफ़ी सही है, काफ़ी लाइट वेट स्मार्ट वॉच है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो फीचर्स वगैरह वो भी काफ़ी सही है। हेल्थ के फीचर आपको काफ़ी सही मिलते हैं, जिनकी एक्यूरेसी मुझे काफ़ी सही लगी है, तो काफ़ी बढ़िया स्मार्ट वॉच है। लेकिन कुछ फीचर मिसिंग भी है, जैसे मैं बताया था इसमें आपको कैलकुलेटर या फिर गेम्स वगैरह नहीं मिलती हैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो मिसिंग है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से जो फास्ट ट्रैक है अपडेट के थ्रू पुश कर सकता है, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार इसको कनेक्ट किया था ना, तो वैसे एक अपडेट आ गया था। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ मुझे बहुत ही सही लगी वो यहाँ पर है इसका UI, और UI में बोलूँगी भाई बहुत ही बटर स्मूथ है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट यू है जो आजकल आपको वॉचेज में मिल जाता है बजट वाली, तो यहाँ पर ये चीज़ सही है, थोड़ा सा अलग UI मिल रहा है और स्मूथ भी है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है स्मार्ट वॉच की। डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया स्मार्ट वॉच है। और इस वॉच का जो प्राइस है, जो यहाँ पर लॉन्च होने वाली है 30 तारीख को फ्लिपकार्ट पर, तो इसका प्राइस रहेगा वो रहेगा 2995, तो ऑलमोस्ट 3000 रुपये के आसपास ये जो वॉच मिलेगी। तो अगर आपको एक सर्कुलर डिस्प्ले वाली एमोलेड स्मार्ट वॉच चाहिए, फीचर रिच स्मार्ट वॉच चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी है फास्ट ट्रैक रिवॉल्ट FR1 प्रो, या मुझे कमेंट करके बताओ। और जो फास्ट ट्रैक की किसी और वॉच का अगर आपको रिव्यू देखना है, वीडियो देखनी है, तो वो भी नीचे कमेंट कर दो, मैं जल्दी से बना दूंगा। तो आपको कैसी लगी ये बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको अगली बार।